हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग लंबे समय से वेट कर रहे थे कि सर इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, तो फाइनली आज आप लोग का इंडियन एयरफोर्स के तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और आपको डायरेक्टली लेके चलेंगे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि डाउनलोड करने में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। हाँ, एक और चीज़ कि सब लोगों को करीब करीब मालूम चल गया है कि इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, ये तो सब लोगों को मालूम चल गया है। लेकिन आपको एक पॉइंट अच्छा सा अपने माइंड में क्या करना है, सोच कर चलना है, क्योंकि एडमिट कार्ड आने से यहाँ पे इतना ही तक नहीं है, आपका आगे की अभी और प्रोसेस चलना है ना। क्योंकि एडमिट कार्ड से अगर आप खुश रहते तो, क्योंकि आजकल एडमिट कार्ड तो अब तो क्या है, माइनर चीज़ हो गया, क्योंकि एयरफोर्स का भी आ रहा है, नेवी का आ रहा है, इंडियन आर्मी का, सब चीज़ का लगभग लगभग आ रहा है। तो एडमिट कार्ड से कोई ज़्यादा खुश नहीं होना है, बस आपको एक काम करना है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा लास्ट तक वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी सरकारी रिजल्ट के वेबसाइट पर हूँ, और यहाँ पे देखिए साफ साफ क्लियर है आप लोग का एडमिट कार्ड में इंडियन एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप 1/2021 एडमिट कार्ड, यानी कि आप लोग का 1/2021 बैच का जो एडमिट कार्ड आने वाला था आ चुका है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे ना, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड के सामने क्लिक हर पे आपको क्लिक करना है, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट आएगा, डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा इस पर, ठीक है। करने के बाद डेस्कटॉप में कर लेंगे, और करने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के आपको क्या करना है, साइन इन करना है। जैसे साइन इन करेंगे तो आपका 6 नंबर पे एडमिट कार्ड दिया होगा डाउनलोड करने का, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पांचवा पे आपका होगा एप्लीकेशन, जो डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। क्योंकि ऐसे ही ना था, स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 6, तो ऐसे ऐसे स्टेप करके तो आपका 6 नंबर पे या 7 पे होगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन। उस पर क्लिक करेंगे सिंपल से, और क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर आपको डाउट है, अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, ashishgajiapur6200@gmail.com पे आप मुझे भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके अच्छे से देख के मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात रही कि एडमिट कार्ड तो आ गया, ठीक है। सब लोग का एडमिट कार्ड आने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई जब तक यहाँ से अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितना हो सके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, जितना भी हो सके मैथमेटिक्स, उस पर फोकस रखना, क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब लोगों को मालूम है। तो एक यही चीज़ बताना था आपको, एडमिट कार्ड तो आ गया भाई, क्योंकि एडमिट कार्ड आने से काम नहीं चलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टडी। जितना हो सके यहाँ से प्रैक्टिस सेट लगा लो, जितना हो सके करेंट का वीडियो देख लो, जितना करेंट का डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसे जाकर वॉच करो, क्योंकि करेंट से लगभग लगभग 5 से 7 सवाल आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ये सब केयर कीजिएगा। और हो सकता है तो रात को आज एक वीडियो आएगा जिसपे आपको बताया जाएगा किस टॉपिक से कितने अंक के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे एक्स एंड वाई के, ठीक है। बस मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।